बेड़ुपाको बारमासा, बेड़ुपाको बारमासा, नैनीताले की नैना देवी, नड़ल फूल चलो बाती मेरी चेला। नमस्कार, आज का हमारा सफर शुरू होने वाला है कासोनी से द्वाराहाट की तरफ का। द्वाराहाट जिसे कि उत्तराखंड में मंदिरों का गांव कहा जाता है, द टेंपल विलेज ऑफ उत्तराखंड। कासोनी से द्वाराहाट की जो दूरी है वो लगभग 45 किलोमीटर है, डेढ़ घंटे का समय लगेगा। कासोनी से जब हम वापसी में नैनीताल की तरफ निकलें तो रास्ते में सोमेश्वर आता है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दर्शन करवाए थे। सोमेश्वर के चौराहे से आपको दाहिनी साइड जब मुड़ेंगे राइट साइड पे द्वाराहाट के लिए रास्ता निकलता है। कोसानी से द्वाराहाट के रास्ते में एक गांव आता है लोद, और यहां पर लोग रुकते हैं कुमाऊं थाली और बट के डुबके का जायका लेने के लिए। और ये कितने से कितने बजे तक खुला होता है? 6 बजे से शाम को 2:30 बजे खाली हो जाता है। अच्छा, 2:30 बजे फिनिश, खत्म। अच्छा अच्छा, और सुबह 6 बजे से मिलने शुरू हो जाती है। कड़छी बड़ी भारी है भैया। अच्छा, कड़छी लोहे की है? ठीक है, हाँ कढ़ाई तो लोहे की है। इसको तो टाइम ही बड़ा लगता होगा। टाइम नहीं लगता, 2 घंटे लगते हैं पीसने में। अपना 2 घंटे पीसने में लग जाते हैं। और ये भटके डुबके हैं, और यहाँ पर देखिए लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाया जाता है कि उससे जो आयरन भी मिलता है, और इसको बनाने में समय भी बहुत लगता है। कि जैसे इन्होंने बताया कि सिलबट्टे पे 2 घंटे पहले इसको पिसाई होती है, दाल को पहले भीगा डाला जाता है, उसके बाद इसकी पिसाई की जाती है, और इसको धीरे धीरे आँच में फिर इसको उबालते रहते हैं। ये आलू के गुटके हैं, ये चार ही जो सब्जियां रोज बदलती भी है कि वही झोली आलू के गुटके डुबके बट के डुबके राजमा के वो राजमा। आज हमारा छठा दिन है कुमाऊं क्षेत्र में, और आज हम जब द्वाराहाट की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में एक गांव आता है लोद, वहाँ पर हमने पहाड़ी खाने के लिए जो थाली मंगवाई है, यहाँ पर 3-4 भोजनालय हैं, आप कहीं भी जाकर खा सकते हैं। और आज 6वें दिन में मेरे को ये भटके डुबके की जो रेसिपी है वो समझ आई है। हमने नैनीताल में भी खाई थी, लेकिन तब कुमाऊं थाली का मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। भटके डुबके खा के देखते हैं। सूप नहीं होता जैसे, उस तरीके से इसका स्वाद है। नमक है, और एक दो थोड़े से जो यहाँ के पहाड़ के मसाले वो डाले गए हैं, और इसमें कुछ भी नहीं डाला गया। इसका जो सिलबट्टी में जो पिसाई हुई है उसका स्वाद वो इसमें अच्छे से निखर के आ रहा है। पुदीने की चटनी है, ये भी सिलबट्टे पर ही तैयार की गई है। एक्चुअली जो सिलबट्टा यहाँ पे बोलते हैं, जिस पर पिसाई करते हैं, उस पत्थर को यहाँ पर देवता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और ये पहाड़ी राजमा, इसमें हल्की हल्की जो दिख रहा है मेरे को, माँ की दाल भी शायद डाली गई है। पहाड़ी राजमा इसका अपना एक फ्लेवर है राजमा का। ये पहाड़ की हवा इतनी शुद्ध होती है ना, कि जो इनके यहाँ पे सब्जियाँ हैं उनका जो अपना टेस्ट है, उनका जो अपना जायका सब्जी का, वो ज़्यादा निखर के आता है इसमें। अच्छा, राजमा में एक और जो मैं खास बात देख रहा था कि इसका टेक्सचर इतना ही ज़्यादा क्रीमी हो चुका है, वो शायद धीमी आंच पे पकाने की वजह से। मैदानी क्षेत्रों में जिसको कड़ी बोलते हैं, यहाँ पर झोली बोलते हैं। तड़का यहाँ पर जो पहाड़ी जीरा उसका लगाया गया है। कड़ी को खेले खा के देखते हैं। कड़ी इतनी शानदार है कि जैसे इसको ना छाछ की तरह भी आप आराम से पी सकते हैं। अभी हमारे लिए चपाती भी आ गई है, देखिए एकदम से फूली फूली। आ हा हा हा, तो इसको आलू के जो गुटके हैं उसके साथ खाकर आपको बताते हैं। ओहो हो, बहुत गर्म।
इधर आलू की सब्जी में गुटके में लाल मिर्च का तो तड़का लगाया, उससे थोड़े से तीखे भी हो गए, स्वादिष्ट भी हो गए। बटके डुबके दे देना और राजमा बिल्कुल थोड़े, लेकिन बटके डुबके ले आना, बटके डुबके बहुत टेस्टी थे। कि लाल मिर्च को इसको यहाँ पर इस तरीके से खाया जाता है कि पहले इसको ऑयल में फ्राइड किया जाता है और उसके बाद इसको खाया जाता है। अभी तक के अपने अनुभव में जो मैं पहाड़ी खाने को समझा हूँ यहाँ पर आकर, तीन चीज़ें डोमिनेट करती हैं। सबसे पहले ऐसे मैदानों में या आजकल तो हर घर में खाना गैस से बनाया जाता है, यहाँ पर चूल्हे की आंच पे धीमा धीमा पकता रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो ज़्यादातर सब्जियों की या चटनियों की जो बनाने की विधि है वो सिलबट्टे पर जो पीसने से एक टेस्ट अपना आता है, जो सब्जी का या दाल का जो वो अपना जो खुद का जायका है वो नहीं छोड़ती, और वो सिलबट्टे की वजह से। और तीसरा पहाड़ों का पानी, उसके स्वाद में कुछ ऐसा है कि यहाँ के जो खाने को वो अधिक स्वादिष्ट कर देता है। तो चलिए अब मैं अपनी थाली को ख़त्म कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद हम द्वाराहाट के लिए निकलते हैं। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से द्वाराहाट 7 किलोमीटर पड़ता है, और एक रास्ता यहाँ से द्वाराहाट के ही एक प्रसिद्ध मंदिर द्रोणागिरी शक्तिपीठ की तरफ जाता है। वो रास्ता यहाँ से जाता है और यहाँ से वो रास्ता 9 किलोमीटर है। तो अभी हम द्वाराहाट पहुँचने से पहले दूनागिरी शक्तिपीठ के लिए निकलेंगे। वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में दूनागिरी दूसरा वैष्णो शक्तिपीठ है, और इस मंदिर का शिलालेखों में पहला अस्तित्व 1181 ईस्वी में मिलता है। लगभग 300 सीढ़ियां चढ़कर हम माता के मुख्य भवन तक पहुंचेंगे, और आसपास ये ग्रिलिंग की हुई है बंदरों से बचाव के लिए। एक समय में यहां पर घंटियां ही घंटियां हुआ करती थी, और उन सभी घंटियों को फिर पिघला के चाहे जितनी छोटी थी बड़ी थी, अब यहां पर बड़ी बड़ी घंटियां थोड़ी थोड़ी दूरी पर इकट्ठी लगी हुई हैं। अंत की जो 100 सीढ़ियां हैं वो थोड़ी चढ़ाई सीधी हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत थकान हो सकती है। वास्तव में माँ दूनागिरी का यह मंदिर एक जंगल में स्थापित है। अगर आप मेरे आसपास देखें तो चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। यह एक द्रोणगिरी पर्वत हुआ करता था, और इसीलिए यहाँ पर आपको जहाँ तो जंगली जानवरों की आवाज़ें आएंगी, जहाँ आपको जड़ी बूटियाँ ही दिखाई देंगी, और इसी वजह से जो माता रानी का खुलने का और बंद का समय है वो भी एक निश्चित किया गया है, 5 बजे से लेकर 5 बजे तक शीतकालीन, और ग्रीष्म ऋतु में 7 बजे तक। यहाँ मंदिर ये सामने दिखाई दे रहा है, मंदिर तक हम पहुँच चुके हैं, और ये उससे पहले यहाँ पर एक पार्वती झूला करके है, यहाँ पर आप आराम से विश्राम भी कर सकते हैं और झूला भी ले सकते हैं। मंदिर की सीढ़ियों में
एक तरफ उत्तराखंड के पौराणिक देवता गोलू देवता जी का मंदिर है और दूसरी तरफ महाअवतार बाबा जी की तपोस्थली है। द्रोणांचल पर्वत से लाई हुई जड़ी बूटी की वजह से इस मंदिर का जो नाम है दूनागिरी पड़ा। माँ दूनागिरी के इस मंदिर का जो सबसे पहले हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है वो रामायण के समय से आता है, जब सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को मेघनाथ के हाथों से शक्ति लगने पर हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत से जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा था। बजरंग बली जब द्रोणागिरी पर्वत को पूरे का पूरा उठाकर ला रहे थे तो उस पर्वत का कुछ हिस्सा इस जगह पर आकर गिरा था और तब से यहाँ पर माता रानी का ये मंदिर स्थापित है। जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर यहाँ से लंका की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हिस्सा बताया जाता है कि एक टुकड़ा यहाँ पर टूटकर गिर गया था और उसी में माता की शक्ति प्रकट हुई थी। इस तरह से हनुमान युद्ध का प्रसंग इसके त्रेता युगी इतिहास को बताता है। इस मंदिर में कोई भी प्रतिमा नहीं है और प्राकृतिक रूप से निर्मित सिद्ध पिंडियां माता भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ पे आज माता की जो मूर्ति है वो पिंडी रूप में है जी। वो हाथों में जो है हाथ की अंगुलियों के रूप में, हाथ की उंगलियों के रूप में, पंजे के रूप में है। पंजे के रूप में है, जैसे वैष्णो देवी है या आपके पूर्णागिरी है उसी प्रकार जो है यहाँ पे पंजों के रूप में ये स्थापित है। इसको दूनागिरी क्यों कहते हैं? ये क्योंकि ये द्रोणांचल पर्वत जो हमारे गढ़वाल में मूल रूप से गढ़वाल में था, हिमालय के गढ़वाल में द्रोणांचल पर्वत के नाम से था तो उसी नाम से इसको दूनागिरी कहा गया। पहले द्रोणागिरी था लेकिन धीरे 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 अपभ्रंश होते होते ये दूनागिरी हो गया। और इस मंदिर के आसपास आज भी कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इधर जड़ी बूटियां लगती हैं आसपास इसके? यहाँ जड़ी बूटियां तो हैं लेकिन अब जिनको जानकारी है बजरंग बली जी उसको लाए थे तो उसको बताया जाता है कि उसी पर्वत में जड़ी बूटियां थी। एक तिमूर है, वज्रदंती है। अच्छा, वज्रदंती वज्रदंती भी है, समयऊ है और कई प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पर। वो जिसको ज्ञान है वो जिसको ज्ञान है वो लोग यहाँ पर ढूंढते हैं। और ये आसपास जो आप देख रहे हैं ये दूनागिरी का जंगल है, यहाँ पर आज भी कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। पर एक भंडारा लगता है जो हर महीने 12 मास लगा रहता है और श्रद्धालु यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं। भंडारे का समय क्या? सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक लगातार चलता है। लगातार चलता है। जंगली एरिया है, रात को यहाँ पर बाघ भी आता है, तेंदुआ। अच्छा, भालू, भालू और बारहसिंगे, ये सारे कई प्रकार के जानवर भी यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा अच्छा, वो रास्ते में हम देख रहे हैं बिल्कुल आसपास सिर्फ जंगली जंगल। जी हाँ, पूरा जंगल है। तो माँ दूनागिरी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, इसके बाद हम द्वाराहाट में जो अपने लिए होम स्टे बुक करवाया है हम वहाँ पर जाएंगे। द्वाराहाट से 4 किलोमीटर आगे रानीखेत रोड पर वो होम स्टे है, उस एरिया को बोलते हैं मल्ली मिरई। तो वहाँ पर अब हम होम स्टे के लिए निकलते हैं। द्वाराहाट को उत्तराखंड की सांस्कृतिक और पौराणिक द्वारिका भी कहा जाता है। चार धाम की यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले द्वाराहाट कस्बे को 11वीं सदी से 13वीं सदी के बीच में बनने वाले कई मंदिरों के लिए जाना जाता रहा है, जिसका निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा करवाया गया था। और 11वीं से 13वीं सदी में बने हुए ये मंदिर पूरे द्वाराहाट क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनकी संख्या कुल 55 है। द्वाराहाट के सभी मंदिर 10वीं शताब्दी के हैं और द्वाराहाट के इन सभी मंदिरों समूह में से सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है गुर्जरदेव मंदिर। और यह गुर्जरदेव मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए काफी ख्याति प्राप्त है। द्वाराहाट मंदिर समूह के मास्टरपीस कहे जाने वाले गुर्जर देव मंदिर जो कि नागर शैली में निर्मित है, यह कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित कलाकृति का सबसे बढ़िया नमूना है। चारों तरफ से गांव के बीच में स्थापित वास्तुकला के शानदार मंदिर की भव्यता का एहसास इसके सामने खड़े होकर ही किया जा सकता है।
इसके अलावा द्वाराहाट में रतन देव मंदिर समूह, वन देव मंदिर समूह और कचहरी देव मंदिर समूह आदि भी स्थापित है। बद्रीनाथ मंदिर समूह पंचरथ शैली में 1048 ईस्वी में निर्मित है और ये 3 मंदिरों को मिलाकर बना है, जिसमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता जी तथा बालासुर का मंदिर है और काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति की प्रतिमा का भव्य रूप देखते ही बनता है। मृत्युंजय मंदिर नागरा शैली में बना है और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर द्वाराहाट में एकमात्र मंदिर है। यहाँ अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं द्वाराहाट में, जो अपने लिए हमने होम स्टे बुक करवाया था, तो हमारी वहाँ के जो मालिक से बात हुई है निर्मल जी से, उन्होंने हमें बताया कि आपको मुख्य सड़क से होम स्टे तक पहुंचने के लिए ये 600-700 मीटर की जो पगडंडी का रास्ता है वो तय करके आना पड़ेगा। तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है ये रास्ता अभी, तो छोटी सी पगडंडी यहाँ पर बनाई गई है और वहाँ पूरे ऊपर तक जाएगी। अभी चलते हैं हम। तो अभी हमने 200 मीटर का ही सफ़र तय किया, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ पूरी तरह बंद हो चुकी है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो अभी तक एक नेचर वॉक की तरह मेरे को ये पूरे का पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरा जो 700 मीटर का सफर है वो आधे से ज्यादा हो चुका है। सबसे ज्यादा मेरे को पसंद आ रही है जो जहाँ पर बाट बनाई हुई है, बिल्कुल छोटी सी बाट है, लेकिन वो पूरे गांव के जो लोग हैं इसी बाट से सभी आते हैं। और ये अभी हमें सामने जो दिख रहा है ये नौला है। प्राचीन समय में जो हमें जल भरने के लिए गांव के लोग करते थे वो ऐसे ही नौले बनाए जाते थे, जो पूरे गांव को पानी चाहिए वो यहीं से निकाला जाता है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि पास में आकर ज़रा बताएं। बहुत पुराना लग रहा है ये। सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं नीचे, ये दिखाई दे रही हैं आपको सीढ़ियाँ भी हल्की हल्की दिखाई दे रही। अभी तक का तो जो ये सफ़र है शुरुआती होम स्टे तक इतना ज़्यादा रोमांचित है कि मज़ा आ रहा है अभी तक। हेलो नमस्ते भैया। चलिए पहुंच गया। बढ़िया लगा ये सारे का सारा सफर। ये इसीलिए हम थोड़ा चाहते हैं कि हम रोड से थोड़ा दूर हैं, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। पहाड़ा क्या अगर इतना पहाड़ निकल फिर क्या पहाड़ा है अब? क्या बात है। तो ये हमारे साथ इस होम स्टे के जो मालिक है निर्मल जी, नमस्कार। तो ये हमें बताएंगे अभी। आइए सर। कितना समय हो गया इसको ऐसे ही? ये तो 1988 से बना हुआ है सर। ये पूरा एक हॉल है जो दिख रहा है ना आपको, इसको अंदर से लेके इसको अंदर से लेके इसको अंदर तक, ये पूरा एक हॉल है। ठीक है। इसके अंदर एक कमरा, उसके अंदर दूसरा कमरा, दो कमरा प्लस एक हॉल का फर्स्ट फ्लोर है। बाकी ये नीचे हमारे गोट है। गोट माने? गोट मींस मतलब ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे एक गोट है, मैं आपको एक गोट दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से गोट होते हैं। अभी मतलब 1988 का नए जमाने का गोट है। पुराने जो गोट होते थे उनकी हाइट बहुत कम होती थी, लगभग 4 फीट की हाइट होती थी और लोग ऐसे झुक के जाते थे, इसलिए रखा जाता था। जैसे हमारे नानी दादी लोग हमको बताते थे कि घर की इज्जत होती थी कि हम झुक के तेरे अंदर आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए लकड़ी वकड़ी सब इसमें प्रॉपर काम हुआ है। क्या बात है। ये होगा भाई 7-7.5 फुट इतना ही होगा? हाँ इतना होगा ही बिल्कुल। जी जी, 7 से भी थोड़ा शायद कम ही, 7 से कम है थोड़ा। जैसे ही आप इस गोट में आएंगे आपको ठंडा महसूस होगा। पहाड़ी घरों की यही खासियत है, गर्मियों में ये रहते हैं ठंडे और सर्दियों के टाइम पे रहते गर्म। ये है भितेर बोलते हैं इसको वैसे। भितेर। भितेर मतलब फर्स्ट फ्लोर के? भितेर मतलब अंदर। अंदर हाँ, जैसे हम बाहर बैठे हमें चलो भितेर भितेर चलते हैं। अच्छा अच्छा, चलो आइए हम भितेर चलते हैं। ठीक है ठीक। तो ये हमारा भितेर भितेर हो गया जी। ये मतलब हॉल है, पूरा चाख बोलते हैं इसको। चाख चाख चाख। तो ये चाख है, पूरा एक हॉल है पूरा ये, तो इसको हम चाख बोलते हैं पहाड़ी में। अभी जब हम ऊपर आने लगे थे तो वो था भितेर, और अब हम ऊपर आकर जो अंदर का अपना कमरा है उसको यहाँ पर बोलते हैं मल भितेर। जो उस जमाने की 1988 में जब ये मकान बना था तो इसमें जो ये लकड़ियाँ बनी हुई है, उसी समय की है। लकड़ी कौन सी है? जंगल की लकड़ी है।
जंगल की लकड़ी, अलग अलग पेड़ों की है, अलग अलग पेड़ों की है। इसको बोलते हैं थुमी, थुमी, थुमी। तो थुम है, थुम की पूजा होती है, इसको भगवान मानते हैं। अच्छा, थुम को, ठीक है, क्योंकि पूरे घर का भार इसके ऊपर टिका हुआ है। एक बंदा इस बेड में, पांच लोगों की कैपेसिटी मेरे इस रूम में है। बाकी हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक अपनी बागान ही है, बिल्कुल एक किचन गार्डन जैसा बोलते हैं। किचन गार्डन। क्या ये अनार है? ये अनार की एक वैरायटी है, दाड़िम। दाड़िम पहाड़ में होती है? पहाड़ में होती है। 80% मीठा है तो 20% खट्टे का ही कॉम्बिनेशन है। ये पेड़ सर भीमल का, भीमल, 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 भीम है ना, भीम, अर्जुन भीम, तो वही भीमल है। भीमल गाय का चारा है, गाय का दूध, मतलब ये मान के चलिए 10 गुना ज्यादा दूध पड़ जाता है अगर गाय को आप डेली खिलाओ, लेकिन ये यहाँ लिमिटेड मात्रा में होता है। अच्छा, भीमल के पेड़ जो है मतलब एक बहुत बड़ा एक उत्तम चारा माना जाता है गाय के लिए। आपने इधर गाया हुआ मंडवा, तो जैसे हम इसके ऊपर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंडवे की खेती जैसा उसका स्वभाव है ना मंडवे का, जी जी, कि देख के रफ एंड टफ लगती है रोटी, बिल्कुल चॉकलेट काली सी, तो वही बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुरूप ये उगता है। आपने मंडवा बो रखा है जी, गाँव में अचानक किसी की शादी हो गई तो उनके स्पेस ने बोला यार हमको टेंट लगाना है, खेत के ऊपर पूरा टेंट लग जाएगा, आपने मंडवा बोर है, टेंट लग जाएगा, ऊपर ही खाना खा रहे लोग, सब कुछ कर रहे हैं, टेंट उखड़ जाएगा, लोग चले जाएंगे, बारिश होगी फर्स्ट क्लास के, मंडवा फिर रुक जाएगा अपना। रफ एंड टफ है, मैंने जैसे बताया ना उसका स्वभाव है ना रफ एंड टफ वाला, जी जी जी, जैसे वो अपने शरीर को आपके शरीर को भी रफ एंड टफ बनाता है, ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं ये उसका यहाँ पे। देखिए एक सेब का पेड़, आपको सेब दिख रहे होंगे, ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल लगा हुआ है हमारा, और साथ ही में उसका वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ आम्रपाली का। अच्छा अच्छा, आम की प्रजाति। ये देखिए ये सेब का पेड़ हो गया जी, देखिए पूरे सेब लगे हुए हैं, और अच्छे से फल आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आम, आम में इस बार फल नहीं है क्योंकि एक साल ये रुक के आ रहा है, तो इसमें पिछली बार पूरा ये आम से भरा पड़ा हुआ था, तो कोई हमारे मित्र आए थे, कोई गेस्ट थे हमारे, तो वो आए थे तो वो देख के बड़े हैरान हो गए। अच्छा। वो कह रहे हैं हम सेब भी हो रहा है आम भी हो रहा है, और ये देखने वाली बात है सच में भैया, कह रहे हैं कि देखिए जो सेब है वो ठंडे इलाकों में होता है और आम की जो प्रजातियाँ जितनी भी होती हैं वो गर्म इलाकों में होती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही 10 फीट के जो अंतराल में अच्छी भरपूर मात्रा में दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे से हो रहे हैं। जी, जी। ये थोड़ी पिलाऊंगा सब मीठा पूरा, बिल्कुल तो चिड़िया आती है, देखिए यहाँ से रस चूस के ले आती है। हाँ ये देखिए तो चिड़िया यहाँ पर आती है, इन्होंने पूरा इसका रस निकाला हुआ है, सारे सारे और इतना मीठा होता है ना सर ये। अच्छा मीठा होता है इसलिए, बहुत ही मीठा होता है। अभी मैं आपको पिलाऊंगा सही वाला। गुड़हल बहुत मीठा है, वो जो चिड़िया जो इतना मीठा बोलती है, इतना मीठा तो बहुत ज्यादा रस था। पहाड़ी लॉलीपॉप, अच्छा इसको करना ऐसे उतारा और सीधे डाला। अब ये है छाछ। छाछ मतलब जो वैसे मिलती है, नॉर्मल जो छाछ होती है जी, छाछ बनी, नॉर्मल जो छाछ पीते हैं हम। अब गाय छाछ इसको इसलिए बोलते हैं कि छाछ एक कॉटन के कपड़े में हमने रख लिया, थैला जैसा होता है, पूरी छाछ उसमें भर ली रात को। अच्छा, पानी पूरा नीचे निकल गया। अब उसमें उसको बोलते हैं गायना, बोलते हैं उसको, मतलब गायना मतलब उसको कि गाय लिया, पहाड़ी में बोलते हैं गाय लिया उसको, गाय का मतलब कि निखारना, निखारना, ठीक है। पानी निखर गया और बाकी उसमें जो छाछ के जो पार्टिकल्स थे वो रुक गए, आपने रख लिया आराम से, तो जब जरूरत है थोड़ा सा 2 चम्मच लिया, घोला उसको, घोल के उसमें अपना जीरे का तड़का और ये सिलपिसा हुआ नमक, जो सिल में हमने नमक पीस रखा है ये। अच्छा, ये कैसा नमक है, मतलब सिलपिसा नमक, मोटा नमक है, जो नॉर्मल मोटा नमक आता है जी, मोटा नमक हमने सिल में पीसा, उसमें सिलबट्टे पे, सिलबट्टे पे, ठीक है। तो सिल्पी से लून भी बोलते हैं इसको, लून, लून। लेकिन इसका कलर मतलब थोड़ा येलो येलो है। हल्दी डाली है उसमें। अच्छा, हल्दी भी उसमें पड़ी है, घर की मिर्च जो घर में हम मिर्च उगाते हैं वो मिर्च पड़ी हुई है, ठीक है। जीरा, अच्छा, बाकी जो फ्लेवर आपको चाहिए, जैसे धनिया है, धनिया घर का धनिया है, घर का धनिया हल्का सा तवे में रोस्ट किया वो भी पी दिया साथ में, तो कुल मिला के एक यूनिक सा आपको, जैसे आप सुन पा रहे होंगे, एक अलग सा एक फ्लेवर आ रहा होगा, पौष्टिकता खुद बहुत बढ़ जाती है उस नमक की। नहीं नहीं, टेस्टी भी बढ़ा, ये तो थोड़ा हल्का हल्का गर्म क्यों है, ये गर्म कर रखा ना। अच्छा, तो ये फटता नहीं है,
इसमें जीरे का तड़का लगाया। अच्छा पड़ता है, हिलाना पड़ता है, लगातार हिलाना पड़ता है, हिलाएंगे नहीं तो फट जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काफी मेहनत वाला काम है, पहले इसको सारी रात वो रखना। बिल्कुल, तो तभी तो सर टेस्ट आ रहा होगा आपको। अरे मडवे की रोटी है, आप करें, शुरू करें खाना। जी, ये चने और आलू की सब्जी। आलू, आलू घर का है, चना बाजार का है। मडवे की जो रोटी है, हमारी दादी बोलती थी सब्जी भी मत खाओ, उसके कुछ मत खाओ, खाली मडवे की रोटी का एक टुकड़ा तोड़िए, गिन के 22 बार चबाइए आप। 22 बार जी, 22 बार चबाइए, 22वीं बार जब आप चबा रहे होंगे ना जी, एक तो टेस्ट आपको मटर की रोटी का तब पता चलेगा। अभी मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये भैया ने ग्लोए काली मिर्च अदरक और गुड़ का जो एक डिकॉक्शन कह लीजिए, इसको चाय कह लीजिए, वो पी रहे हैं। सुबह 5:30 का समय है, साथ में मेरे पुष्पा देवी जी हैं, वो दूर कहीं हल्का हल्का धुआं निकल रहा है पहाड़ों में से। जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये सेब का पेड़ लगा हुआ है, और आपको दूर दूर तक भी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही, या तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है, या मुर्गा वहाँ नीचे बांग दे रहा है। और यही पहाड़ी जीवन है, और पहाड़ी जीवन ही क्यों, मानव जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। पुष्पा भी होगी, क्या हो गया? पुष्पा, ये ओ पुशी, पुशी, पुष्पा, चिंटा घूम रही होगी यार। ये माँ है, है ना? वो बेटी है, वो बेटी है, इसका नाम पुष्पा और उसका चिंटा। चिंटा तो आज क्या खिला रहे हैं ब्रेकफास्ट में आप? आज मैं आपको ये भटका राजोड़, भटका राजोड़, पहाड़ी में भटका राजोड़ और वैसे भटका जोला बोल रहे हैं। तो अब ये पकना शुरू हो गया है ना? पकना शुरू हो गया अभी। अच्छा, भटकी यहाँ पर इतनी वैरायटी है कि मेरे को नाम ही भूल जाता है। भटकी चुड़कानी, भटकी तुड़कानी, भटकी चुड़कानी, और भटके डुबके, डुबके और भटका जोला, भटका जोला, बटका राजोड़, यही यही है ना? राजोड़ यही है। ठीक है। अच्छा, पहाड़ी खाने का जो मैंने को सबसे अच्छा जो लगा वो ये कि कोई भी ना जल्दी नहीं है इसमें, धीमी धीमी आंच पे है, किसी तरह का कोई जिसको हम बोलते हैं कि सिलवट्टे पे आराम से उसको भट को पीसा जा रहा है। अला नमक डालना है, वो भी खाते वक्त डालना है, पहले नहीं। भट भी घर के ही होते हैं? घर इधर ही कर लेते हैं, खेती करते हैं हम, सालों से हमारे पास हमारी खेती इतनी सारी है। अच्छा, अपना ही बोना है और अपना ही खाना है? अपना है। जो वो मंडवा का आटा, वो भी घर का? सब घर का ही है। जो कल हमने बीन्स खाई थी, वो भी घर की, आलू भी घर के? हाँ, वो मैंने देखा अभी, इतनी चीजें वो वही बता सकता है जिसने वो अनुभव किया। फटका राजोड़ हमारी टेबल पे आ चुका है, बट के डुबके भी हमने खा ली हैं, बट की चूड़मानी भी खा ली हैं, और ये बट का राजोड़, इसको बट का झोला भी बोलते हैं यहाँ पे। और ये जो सबसे, जो मेरे को कल का सबसे बढ़िया लगा ये चीज़, गाय शांश, हमारी शाह से बिल्कुल अलग विधि और टेस्ट भी बिल्कुल अलग। राजोड़ में ये पड़ेगा? अच्छा, राजोड़ में ये पड़ेगा, ठीक है। राजोड़ में ना नमक है, ना तेल है, हाँ वो हमने बनते हुए देखा, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, ये तो मंडुए की रोटी है, मंडुए की हो गया, हरी सब्जी का टेस्ट करना आ गया। हरी हरी सब्जी, मतलब नहीं इसका नाम क्या क्या सब्जी? हरी सब्जी, बस हरी सब्जी। अच्छा, इसमें आपका उगव, उगव हमारे यहाँ का एक पहाड़ी हरी सब्जी होती है, उगव, उगव, उगव। अच्छा, उगव हो गया, मूली के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते हो गए, सारा मिक्स है। वो मूली के पत्तों का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। पालक भैया पहाड़ी होता है कि क्या? अच्छा, राई का तड़का लगाया हुआ है इसको, है ना? जी जी, उसका जखिया। अच्छा, इसको जखिया का तड़का? अच्छा अच्छा, यहाँ पर पहाड़ में एक जखिया करके है जिसका तड़का लगाया जाता है, उसको यहाँ पर डॉग मस्टर्ड भी बोला जाता है। ये मैंने बहुत बार सुना, आज आज तड़के में पहली बार देख रहा हूँ, और उसका इसका फ्लेवर काफ़ी अलग है। ये तो मैं अकेले ही खा लूँ ये सब्जी तो। जी, मडवे की रोटी, हरी सब्जी और गाय का कॉम्बिनेशन,
भटका राजड़ और सिल के पिसा हुआ नमक इसका कॉम्बिनेशन। ये मंडवे की रोटी के साथ अब इसको खाएंगे, हरी सब्जी जहाँ इसको बोला जाता है, जखिए का इसमें तड़का लगा हुआ है। ये उत्तराखंड का पारंपरिक नाश्ता भी कहा जा सकता है, मंडवे की रोटी, हरी सब्जी, गाय शाश। वैसे तो यहाँ पर चम्मच है, लेकिन हम इसको जो भटका झोला तो उसको हम हाथ से खा के देखते हैं। और जो भैया ने बताया कि इसको कुछ भी नहीं इसमें डालो, कुछ भी नहीं है, नमक तक नहीं है इसमें, बस बट है, पहाड़ी चावल है और पानी है, सिलबट्टे पे जो बट को अच्छे से पीसा गया, बस चूल्हे पे पका हुआ है बस। और इसमें पहले हम इसको ऐसे ही खा के देखते हैं, क्योंकि इसमें नमक भी नहीं है। देखने में इसका जो रंग है ना वही बड़ा शानदार है, फीका है लेकिन तब भी टेस्टी है ये। और ये इसमें हमने अब नमक ऐड ऑन किया, और इसको खाने का यहाँ पर बड़ा ही बेहतरीन मेरे को तरीका लगा कि कभी मैं नमक डाल रहा हूँ और कभी मैं इसको फीका खा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो दोनों का जो संयोग बन रहा है वो बहुत शानदार लग रहा है। अच्छा मजा भी तभी आता है बीच में नमक का आ रहा है, मैं जब फीका खाओ ना फिर बन रही है बात पूरी। और भटके राजौड़ की सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है इसका। अजय निर्मल जी, पता नहीं इनके अंदर क्या क्या कलाकारी छुपी हुई है, उनमें से एक ये भी कलाकारी है कि ये गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। निर्मल भैया तो गिटार बजाएंगे लेकिन जो हमें आवाज देंगी वो माता जी देंगी। अच्छा इसका मतलब क्या है? चौकोट है कि पार्वती सौरा सा नहीं जाने वाली, वो अपने ससुराल नहीं जा रही है, फिर है मासी को, वही मासी है पास में गांव। अच्छा मासी को प्रताप लौंडा स्कूल नहीं जाने बल, स्कूल नहीं जाता है मतलब, वो स्कूल नहीं जा रहा। अच्छा 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 क्या बात है। यहाँ पे गेस्ट के लिए पूरा एक पूरा जो अच्छा आनंदित करने वाला मनोरंजन करने वाला पूरा पैकेज है। आपको कुदरती नजारे मिलेंगे, संगीत मिलेगा, जो खेतों में लगी हुई सब्जियां वो किचन में जाके वो बनती हैं वो खाना मिलेगा आपको, संगीत मिलेगा और संगीत बजाने वाले भी मिलेंगे, वो भी घर के ही हैं, कोई बाहर से कुछ भी नहीं है। आप खुश रहे, इसको इधर कान में लगा। कान में बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो। मम्मी कह रही मेरे को हाथ जोड़ो। अच्छा अच्छा वही वही करने लगा था। जाओ। जीत रहो बेटा। बिल्कुल खुश रहो। तो मैं यही सबसे कहूंगा, अगर तो कोई रियल रॉ एक्सपीरियंस लेना चाहता है होम स्टे का, सबसे बढ़िया होम स्टे है। अभी तक हम जितना भी उत्तराखंड घूमे हैं या कुमाऊं क्षेत्र घूमे हैं, तो द्वाराहाट का ये होम स्टे, अभी आपने देखा कि अंत में भी जाते जाते जो इन्होंने हमें टीका किया है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं इस होम स्टे को होम स्टे बना रही है। बारहाट दाना जरूर।